सो हेलो एवरीबॉडी, कहते हैं आप सब आइयो बच्चे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा था खजूरी पाबी पुस्ता के एंड तक। दोस्तों आज आप सभी को खजूरी पाबी पुस्ता से लेकर और एंड तक दिखाएंगे आप सभी को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, और कहाँ से आप सभी को बताऊँ कि ये कर्व लेता है यानी कि बागपत बॉर्डर से। तो देख सकते हो राइट हैंड के अभी आई गटर द्वारा पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, एक पिलर से दूसरे पिलर को, क्योंकि ये रैंप बनाया जा रहा है दोस्तों। रैंप इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लोनी और सादरा जाने वाले हैं, जो आएंगे दोस्तों देहरादून से, उनके लिए। देखो यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगी हुई है, तो ये आई गटर को उठाने का काम कर रहे हैं। एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों ये सारा बायोडक्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। देखो आई गटर ये आ रहे हैं ट्रकों में लोड होकर दोस्तों। यही एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किए जा रहे हैं दोस्तों, रैंप के ऊपर जो लोनी सादरा के लिए रोड जाएगी सीधी, और अगर हम राइट हो जाएंगे तो दोस्तों खजूरी के लिए चला जाएगा। तो अब हम चलेंगे दोस्तों कहाँ, बागपत बॉर्डर के लिए एंड तक। तो दिखाएंगे चल के आप सभी को। देखो बीच का मीडियन बन गया, बीच के मीडियन में मिट्टी डाल दी है, प्लांटेशन की दी कर दी जा चुकी है दोस्तों। और अभी इस पर मीडियन के ऊपर डेंट पेंट का काम भी किया जाएगा, और साइडों से ड्रेनेज सिस्टम बन गया है दोस्तों, वो भी अभी चालू होना है। और आप सभी को बताऊँ, देखो रोड पे ब्लैक टॉप भी कर दिया जा चुका है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, और ऊपर का आप दोस्तों बताऊं कि फिनिशिंग का काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जा रहे हैं यानी कि एलिवेटेड सेक्शन पे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, मिलते हैं आपसे आगे चल के दोस्तों। काफ़ी लंबा आप सभी को बताऊँ कि ये ब्राउन फील्ड एरिया है दोस्तों, और ब्राउन फील्ड एरिए में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों पुरानी रोड को रिकन्स्ट्रक्ट करना, क्योंकि जितने भी जो चैलेंजिंग भरा दोस्तों होता है वो इसमें ग्राउंड फील्ड में ही होता है। और आप सभी को बताऊं कि ग्रीन फील्ड में कुछ नहीं होता भाई, सब डायरेक्ट बनाते चले जाओ। देखो मशीन लगी हुई है, टीम लगी हुई है दोस्तों, दिन रात काम कर रही है दोस्तों। और जो यहां पर कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों वो है सीगल इंडिया लिमिटेड, इसको बनाया है इसने, और दिल्ली सेक्शन में दोस्तों कर रही है गावर कंस्ट्रक्शन, जो उसने कंप्लीट अभी नहीं कर पाया दिल्ली का सेक्शन, लेकिन यूपी का सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और उस पर फिनिशिंग का काम भी चल रहा है। तो यही है वर्क, तो चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को, बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखो एंड तक।
अब देखो दोनों साइडों में आप लोग देख सकते हो कि आप सभी को बता दूं कि लैंडमार्किंग का काम भी हो चुका है, बीच वाले मीडियन पर दोस्तों पेंट का काम भी कर दिया जा चुका है, डिजाइन बना दिया है, और मीडियन के ऊपर दोस्तों देखो पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। तो यही काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि रैंप आ जाता है, और रैंप को जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही दोस्तों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी आ जाता है। तो यही काम है, और आप लोग बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन तो प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो यह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दोस्तों, इसके नीचे से ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे निकलेगा दोस्तों, और यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ जाएंगे, लेफ्ट से आगे जाएंगे दोस्तों तो नोएडा ग्रेटर नोएडा दादरी के लिए चले जाएंगे दोस्तों, और हाँ हम चलेंगे बिल्कुल सीधे यानी कि बागपत के लिए। और आप सभी एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि बीच के मीडियन में एंटी ग्लेयर ब्लेड्स भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, वो सामने देखो रैंप चमक रहा है, और साइन बोर्ड भी लगा दिए जा चुके हैं, अभी बस स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए हैं, बस इन पर लाइटें अभी नहीं लगाई गई हैं दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कर्व ले लेगा। तो देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखो आरई पैनल को इन्होंने लगा दिया, मिट्टी डाल रहे हैं दोस्तों, यानी कि अर्थवर्क का काम स्टार्ट हो चुका है, और अभी देखो सामने वो पिलर बना लिए जा चुके हैं। जब मैंने पिछली बार आप लोगों को अपडेट दिया था तब यहाँ पर पियर पाइलिंग की जा रही थी दोस्तों, आज आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो पियर पाइलिंग पियर बन चुके हैं, पियर कैप भी बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अब इन पर बस गाटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी, आई गटर द्वारा एक पिलर के दूसरे पिलर को ज्वाइंट कर दिया जाएगा, फिर ये जो नीचे वाली रोड है उसको ऐसे घुमाकर राइट में आ जाएगा दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो कि खेतों से होकर जाएगा। और आप लोगों को अब अपडेट दोस्तों ग्रीन फील्ड एरिए का ही देखने के लिए मिलेगा, तो आप बने रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कॉमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये कर्व ले लेगा राइट में, तो ये एक्सप्रेस वे को इस रोड को दोस्तों मतलब कि ये नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, यहाँ से ये काम चल रहा है, तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे अपडेट आगे आने वाले हैं दोस्तों ग्रीन फील्ड एरिए के। तो बने रहो बस केपी संत के चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। अब देखो पहले आपने अगर आने से देखा तब जाने का देख लो, सारे पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं पियर कैप के साथ में, और देखो आई गटर भी बन चुके हैं दोस्तों, यहीं पर कास्ट किए गए हैं, और अब इन पर आई गटर मतलब कि एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट करने का काम बस स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। बाकी तो दिल्ली की जो सेक्शन है वो तो कंप्लीट होने ही वाला है, बस अब जो बचा हुआ है दोस्तों वो ग्रीन फील्ड एरिया ही बचा हुआ है, तो वो भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों कहाँ के लिए, गाज़ियाबाद के लिए, ईस्टर्न पेरिफेरल पर चढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये लास्ट अपडेट था इस सीरीज का दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो ऐसे ही वीडियो को केपी संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से। तो आप सभी इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो वीडियो को। चलिए तो धन्यवाद, आज आपके लिए आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी, तो एंजॉय करो।